दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ का रिकवरी नोटिस मिला है। दिल्ली सरकार के ही डीआईपी सचिव ने यह रिकवरी नोटिस भेजा है। साथ ही इसमें 10 दिनों के अंदर रुपए जमा कराने कहा गया है। अगर 10 दिनों में 164 करोड़ का भुगतान नहीं किया जाता है तो आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी के रूप में आपका दफ्तर सील किया जा सकता है। उपराज्यपाल के जिस आदेश के तहत डीआईपी ने रिकवरी नोटिस जारी किया है उसमें कानूनी कार्रवाई के साथ प्रॉपर्टी अटैच करने की बात कही गई थी। 19 दिसंबर को सबसे पहले एलजी ने इस मामले में मुख्य सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया था कि निर्धारित समय के भीतर अगर प्रॉपर्टी भुगतान नहीं करती है तो कानूनी कार्रवाई के साथ पार्टी की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। मुख्य सचिव को एलजी ने यह आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दे। पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 2015-2016 में विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार की सूचना और प्रचार निदेशालय ने ये नोटिस जारी किया है। गोंद स्याह जोड़ों के दर्द का प्राकृतिक इलाज। गोंद मोरिंगा चमकती त्वचा और सुंदर घने बालों का राज।